अल्लाहम रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को मालूम करने लगे हैं सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको दो साइंसदान बोर्डमैन और हैंगर ने मालूम किया कब 1930 के अंदर ये पहली बात याद रखनी है और याद रखी कि थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन मानी जाती हैं थोड़ी सी डेरिवेशन मुश्किल मानी जाती है लेकिन चंद एक बातों का जहन में रखेंगे ख्याल तो आपका ये काम हो जाएगा ईजी चलें आपने साथ साथ रहना है सिर्फ चंद बातों का जहन में ख्याल रखना है सबसे पहली जो चार इक्वेशन आपने लिखनी हैं वो आपके जहन में बिल्कुल सही एग्जैक्ट लिखनी है क्योंकि वो चीज़ें हमने आगे यूज़ कर रही हैं अगर कहीं पे गलती होगी वहाँ पे तो आपका सारे आगे जितने भी कोई भी आप डेरिवेशन क्योंकि वो इक्वेशन हमने आगे यूज़ करनी है सारे आगे जितने भी डेरिवेशन करेंगे वो सारी की सारी गलत होगी चलिए तो सबसे पहली बात याद रखिएगा फोटो कैमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में फ़ोटो का मतलब होता है लाइट केमिकल ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देनी है वो हाइड्रोजन और क्लोरिन के दरमियान है यहाँ पे कुछ ये वाला काम हो रहा था सबसे पहले था। सी एल टू सी एल टू लाइट को एब्जॉर्व करता है एच एम यू लिखूंगा यहाँ पे यह एब्जॉर्ब करता है और टू सी एल डॉट के अंदर चेंज हो जाती है यहाँ से एक सी एल डॉट क्या करता है जी क्लोरीन रेडिकल कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल हाइड्रोजन एटम के साथ या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी एच सी एल एच सी एल और साथ में एच डॉट बन जाता है एच फ्री रेडिकल इसके नेक्स्ट स्टेप में यही एच फ्री रेडिकल एच फ्री रेडिकल सी एल टू के साथ रिएक्शन करता है सी एल टू के साथ रिएक्शन करता है और यह बना देता है एच सी एल और साथ में सी एल डॉट प्लस सी एल डॉट नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है हाफ ये सी एल डॉट आपस में मिलते हैं मिलने के बाद हमारे पास यहाँ पे हाफ सी एव टू बन जाएगा यहाँ मैं सपोज़ कर लेता हूँ इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है ऊपर वाले फर्स्ट रिएक्शन के लिए के वन है इसके लिए रेट कांस्टेंट के टू है इसके लिए रेट कांस्टेंट के थ्री है इसके लिए रेट कॉन्सटेंट के फोर है भाई ये बात आपने याद रखनी है अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो चीज़ चेक कीजिएगा हम बनाना चाहते हैं एच हमने रेट इक्वेशन मालूम करनी है HCl सी एल के हवाले से क्योंकि हमने हमेशा हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं मिलाने के बाद HCl बना देते हैं तो so, ये हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा रिएक्शन की स्पीड किसके के लिहाज से मालूम करनी है HCl के लिहाज से ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिहाज से हम मालूम करना चाहते हैं रेट ऑफ़ रिएक्शन HCl के लिहाज से अच्छा यहाँ पर चांद एक बात है मैं आ, आपको बता दूँ यहाँ पर सी एल टू की डिकम्पोजिशन हो रही है लाइट की मौजूदगी में लाइट की मौजूदगी में सी एल टू की डी कम्पोजिशन हो रही है अच्छा यहाँ पे हमारे पास आइन लास्ट टाइम हमने एक ला पढ़ा था स्टार्क आइंस्टाइन ला उस ला के मुताबिक ये था कि अगर एक मॉलिक्यूल टूटता है अपने कंपोनेंट के अंदर वहाँ पे एक फ़ोटोन की ज़रूरत होती है इसको टूटने के लिए दो फोटोन की जरूरत होती है इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे जो आई है टू आई के बराबर होता है टू आई ए सही इंटेंसिफ लाइट के लिए आई हम इस्तेमाल करते हैं एक है हमारे पास आइनसाइन सही सिंपल टू आई ए या आई ई e भी आप लिख सकते हैं यानी कि सिंपल बात कहूँ ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है जिस केमिकल रिएक्शन में आप देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एच म्यू लिखा है सही so, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एच म्यू लिख रहा हूँ ये हमारे पास प्राइमरी रिएक्शन कहलाता है और ये नीचे वाले जितने भी हैं दो या तीन स्टेप्स ये सेकेंडरी रिएक्शन है ये वाले हमारे पास क्या है जी सेकेंडरी सेकेंडरी रिएक्शन है अब हर एक जगह पर याद रखिएगा कहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रही है कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है अगर मैं एच की बात करूँ दो जगह पे एच बन रहा है एक ये जगह पे देखो यहाँ पे एच फॉर्म फॉम हो रहा है एक ये वाली जगह है जहाँ पे एच बन रहा है बाकी और कहीं पे भी आपको एच कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर तीनों चारों इक्वेशन के अंदर देखेंगे ना आपको कहीं पर भी एच नज़र नहीं आता तो इस लिहाज से हमने देखनी दो चीज़ें देखनी होती हैं एक डिकम्पोजिशन देखनी होती है एक होती है फॉर्मेशन कि कहाँ भी कुछ चीज़ टूट रही है और कहाँ भी कोई चीज़ बन रही है ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपकी ये चार इक्वेशन सही है ना बाकी आगे हम देख लेते हैं किस तरह काम करना है चलिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ जहाँ पर कोई भी चीज़ डिकम्पोज होगी ये बात बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर कहीं पर भी डिकम्पोजिशन होगी डी कंपोजिशन होगी वहाँ पे आपने साइन यूज़ करना है नेगेटिव कौन सा इन यूज़ करना है नेगेटिव और जहाँ पे भी किसी चीज़ की फॉर्मेशन होगी कौन सी चीज़ होगी फॉर्मेशन वहाँ पे साइन यूज़ करना है पॉजिटिव ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा अगर पूरे प्रोसेस में देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है है सिंपल सी लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन हो जाती है बच्चों को चलिए आपने और करना है अब हमने देखना ये रेट ऑफ फॉर्मेशन और याद रखिएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट के हवाले से लिखूंगा डी एच सी एल ओवर डी टी ये मैं प्रोडक्ट के हवाले से लिख रहा हूँ देखें हमारे पास एच सी एल कहाँ कहाँ बन रहा है ये सेकंड इक्वेशन है और एक हमारे पास थर्ड इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एच सी एल बन रहा है डिकम्पोज कहीं पे भी हो रहा है मतलब जब भी हम लिखेंगे कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पे देखें सेकंड रिएक्शन के लिए मैं लिखने लगा हूँ हमेशा रिएक्टेंट के जो फॉर्मेशन होती है हमेशा रिएक्टेंट के डायरेक्टली फॉमोशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा के पहले हमारे पास देखें सेकंड इक्वेशन के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट है के टू है ऊपर आ जाएगा सी एल डॉट सेम इसी तरह एच टू इसके बाद प्लस कर दो थर्ड इक्वेशन को देखिए दो जगह पे हमारे पास ऐसी बन रहा है इसे हमने दोनों इक्वेशन को लिखने लगे यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा जाएगा ये सबसे पहले यहाँ पर के देखें के हमारे पास है के थ्री एच डॉट इन टू सी एल टू ये वाली चीज़ लिखनी है एच डॉट सी एल और ये हमारे पास इक्वेशन आ गया अब यहाँ पे गौर करोगे ना हमारे पास दो चीज़ों की कमी है दो चीज़ें नहीं हमें पता वो क्या है कि सी एल डोट कितने बनने हैं और एच डोट क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है सो दीज टू सबस्टांस आर डिटरमाइन हमारा जो मेन मकसद है ना आप इन दो चीज़ों को मालूम करना है और इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और हमारा लास्ट में रेट इक्वेशन आ जाएगी नाव यहाँ पर अगर गौर करोगे नाव टू थिंग्स टू थिंगस दो चीजें आर अन नॉन अन नॉन कौन कौन सी हैं एच डॉट एंड सी एल डॉट सी एल डॉट चले जी अब हम बात कर लेते हैं सी एल डॉट की रेट ऑफ फॉर्मेशन की सबसे पहले बात करेंगे सी एल डॉट की रेट ऑफ फॉर्मेशन नाउ द रेट अब रेट एक क्वेश्चन लिखना होगा रेट for cl dot is अब cl एल डॉट के लिए मैं रेड इक्वेशन लिख लेता हूँ कहाँ वही है सबसे पहले देखें cl एल डॉट आपको मिल कहाँ कहाँ पर मेन चीज होती है जी cl एल डॉट आपको मिल किस किस इक्वेशन में रहा है अगर ये चीज़ आपको पता चल जाती है तो आप बाकी हमारे पास चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी हैं वो भी देख लेते हैं अभी यहाँ पे गौर करो पहली इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास सी एल डॉट है दूसरी इक्वेशन के अंदर भी सी एल डॉट है तीसरी इक्वेशन के अंदर भी सी एल डॉट है और चौथी इक्वेशन के अंदर भी सी एल डॉट है मतलब हमें चार ही सारी की सारी इक्वेशन यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी चलो तो जी यहाँ पर लिखने की ट्राई करते हैं हमारे पास जो डी सी एल डॉट ओवर डी टी बनेगा जहाँ पे गौर करते जाइए ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बात जो मेन चीज़ है डी कंपोजिशन जब भी होगी वो जहाँ पे सी एल डॉट आपका बनेगा यहाँ पर देखिए डी सी एल डॉट बन रहा है यहाँ पॉजिटिव जहाँ पे सी एल डॉट आपका कंज्यूम हो रहा होगा वहाँ पे नेगेटिव जहाँ पे सी एल डॉट बनेगा वहाँ पे पॉजिटिव और जहाँ पे डिकम्पोज हो रहा होगा या किसी और चीज़ में चेंज हो रहा होगा वहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है सबसे पहली बात यहाँ पर अगर कर गौर करोगे ना तो हम इसको लिखेंगे टू आई ए अब ऐसा मैंने क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर दो मोलिक्यूल सी एल डॉट के बन रहे हैं और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन या का आइंस्टाइन ला अगर दो मॉलिक्यूल सी के बनते हैं तो इसके लिए दो फोटोन की ज़रूरत है और ये हमारे पास दो फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दो फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है अब इसके बाद यहाँ पर गौर करो दूसरी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में आपका सी डॉट यूज़ हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में डीकम्पोज हो रहा है तो यहाँ पर के क्या है हमारे पास के टू क्या हमारे पास के है के टू आगे हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से सी एल डॉट और एच टू अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ नेक्स्ट में भी देखोगे तो सी एल डॉट क्या हो रहा है यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा प्लस के थ्री रिएक्टेंट इस साइड पर लिख दो एच डॉट सी एल टू एच डॉट साथ में सी एल टू लास्ट वाले में चले जाओ लास्ट वाले में पता चलेगा कि के, के मर पर के थ्री नहीं फोर आएगा सही तो है के फोर है और यहाँ पे देखो CL एल डॉट यूज आप पोरा इसे हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस लिखा है गौर कीजिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यहाँ पे आगे आपने CL एल डॉट लिख देना लोरी ये चीज़ हो गई यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ है माइनस और प्लस का आपने लाजमन लाजमन ध्यान रखना है अब आपने क्या करना है यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करनी है बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन स्टीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक ये होता है जी आपके जितने रिएक्टेंट या कोई चीज बन रही होती है उतनी ही यूज हो रही होती है यानी कि जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है तो वो जीरो होता है इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा या सील डॉट बनेगा वो जीरो होगा ये हमारे पास बाएगा टू आई ए माइनस के टू सी एल डॉट एच टू प्लस के थ्री इन एच डॉट सी एल टू माइनस के फोर सी एल डॉट यहाँ पे ऐसा काम करें जो पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं उसको एक साइड पर रखो जो नेगेटिव वाली चीज़ें है उसको एक साइड पे ले जाओ ये देखिए ये वाली नेगेटिव है ये वाली नेगेटिव इनको उठा के एक साइड पे ले आए ये मेरे पास बन जाएगा के टू सी एल डॉट एच टू और इस साइड पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ये देखिए ये वाली चीज़ मैंने उठाई है बट ये जो बराबर के निशान से इस साइड पर ले आया अब देखिए ये वाली भी नेगेटिव है इसको भी प्लस करो ये क्या बने के फोर सी एल डॉट आगे इक्वल टू टू आई ए प्लस ये वाली चीज़ प्लस वाली है ये यहीं पर रहेगी सी के थ्री एच डॉट सी एल टू सी एल टू ले जी इसको हम इक्वेशन नंबर वन टू नाम दे देते हैं जो भी देना है आपने पहले इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं दे देते हैं यहाँ पर करोगे ना आपको एक चीज़ मिल रही है सीएल डोट तो मिल रहा है लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ गई कि इसके अंदर एच डोट भी है सही अब हमने क्या करना है जी मालूम करना पड़ेगा एच डोट की कंसंट्रेशन यानी एच फ्री रेडिकल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की कंसनट्रेशन नाउ नाओ वी डिटरमाइन डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ एच डॉट एच डॉट की कंसनट्रेशन को मालूम करने लगे गए चलें सबसे पहली बात वही है कि आप क्या करना करें रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट मालूम करना चाहते हैं एच डॉट के बनने का नीचे आ जाएगा डी टी इक्वल टू सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ पे आपको एच नज़र आ रहा है एच डॉट सिर्फ इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में दूसरे वाली और तीसरे वाली में बाकी यहाँ पे देखें कहीं पे भी एच डॉट नजर नहीं आ रहा है कहाँ पर एच डॉट बन रहा है और कहाँ पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में देखोगे एच डॉट बन रहा है मतलब यहाँ मैं प्लस में लिखूंगा के टू इस साइड वाले रिएक्शन क्या आएंगे जी सी एल टू सी एल डॉट और इन टू एच टू इस साइड वाले हमारे पास यहाँ पे देखो एच डॉट यूज अप हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी माइनस में ये कहाँ पे आएगा के टू माइनस में के थ्री ये वाला एच डॉट प्लस एच डॉट इंटू सी एल स्केर ये वाली चीजें आ गई वही चीज अप्लाई कर द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नाओ अपलाइंग द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमे नाओ अपलाइंग दी स्टेट Approximation मेशन चलो स्पेलिंग मेशन आना था मेशन सही स्टेड स्टेट अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक क्या होगा जितनी हमारे पास कुछ चीज़ बन रही होती है उतनी ही यूजप हो जाती है इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा इसके अलावा हमारे पास सेम एज इट के टू सी एल डॉट एच टू माइनस के थ्री एच डॉट इन सी एल टू या वो और करो जो चीज़ माइनस में है, उसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाओ ये हमारे पास बन जाएगी के थ्री एच डॉट सी एल टू इज इक्वल टू के टू सी एल और एच टू अब यहाँ से क्या करो जी हमें कौन सी चीज चाहिए पहले ये देखो अब यहाँ मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है एच डॉट की वैल्यू किसकी मालूम करनी है पुट जो करनी है मैंने एच डोट की वैल्यू को पुट करना है बाकी सारी की सारी चीज़ें मेरे पास हैं यहाँ से निकालो एच डोड की वैल्यू देखो मैं यहाँ से एच डोड की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा एच डॉट इज़ इक्वल टू यहाँ पर गौर कीजिएगा ये हमारे पास बन जाना ये देखें ये वाली दो चीज़ें जाके इसके नीचे चले जाएँगी हमारे पास बन जाएगा के टू ये तो सेम एज इट सी एल डॉट एच टू और इसके नीचे ये वाली चीज़ चली जाएगी क्या बनेगा हमारे पास के थ्री नीचे गया और साथ में सी एल टू साथ में सी एल टू यह हमारे पास डॉट की वैल्यू आ गई है यहां पे मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं थ्री अब इक्वेशन नंबर थ्री को पुट कर दो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू में नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर इक्वेशन इन टू टू में पुट करने से देखो एच डॉट जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना वहाँ पुट करो ये पढ़ा हुआ है एच डोट ये पड़ा हुआ है चलो ये हमारे पास बन जाएगा इस साइड से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ के टूर करते जाइएगा के टू सी एल डॉट एच टू यहाँ पर सी एल डॉट आएगा प्लस फोर सी एल डोट इज इक्वल टू टू आई ए टू आई ए इसके बाद के थ्री प्लस के थ्री के थ्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट आपने ये हाइड्रोजन आइटम की वैल्यू पुट करो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है सही so, मैं इसी के नीचे थोड़ा सा करने हूँ यहाँ पर गौर करते जाइएगा क्या काम होना है चलिए के थ्री के बाद मैं ये सी एल टू के साथ लिख देता हूँ ये वाला सी K3 टू के थ्री सी टू आगे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने लगे हैं, ये वाली हाइड्रोजन की वैल्यू जो कि यहाँ मौजूद है इसे हाइड्रोजन की वैल्यू को उठा के मैंने वहाँ पे रख दिया हमारे पास बन जाएगा के टू सी एल डॉट एच टू ओवर के थ्री सी एल टू अभी आप गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये वाली देखिए ये इसके साथ आनी थी ये वाली इतनी फ्रैक्शन ये इस चीज़ के साथ कट जाएगी जितनी फ्रैक्शन इस चीज़ के साथ कट होगी अब बाकी जो चीज़ बचती है वो मैं लिखने लगाऊँ हमारे पास बाकी जो चीज़ बन रही है यहाँ पर वो है ये वाली है के टू सी एल डोट एच टू प्लस के फोर सी एल डॉट ये फोर है सी एल डॉट इज इक्वल टू टू आई ए बाकी हमारे पास बच रहा है प्लस के टू सी एल डॉट एच टू अब जब और करोगे ना तो आपको पता चले जाएगा आ, चल जाएगा कि इस इक्वेशन के इस साइड पे के टू सी एल डॉट एच टू के टू सी एल डॉट एच टू ए को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा दोनों माइनस माइनस यानी कि ये वाली चीज़ ये सारी की सारी चीज़ इस चीज़ से कैंसिल हो जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर के फोर सी एल डॉट के फोर सी एल डॉट इज़ इक्वल टू आई ए और सी एल डॉट की कीमत हमारे पास यहाँ पे निकलेगी टू आई ओवर के फोर ये हमारे पास सी एल डॉट की कीमत निकाल ली है अभी सी एल डॉट की कीमत को यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आप हाइड्रोजन डॉट की एच डॉट की कीमत मालूम करो तो इसको क्या करो नाउ पुट द सी एल डॉट वैल्यू सी एल डॉट वैल्यू इन इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर थ्री क्योंकि हमने हाइड्रोजन डॉट की वैल्यू मालूम करनी दो चीज़ों की वैल्यू रखेंगे मालूम हमारे पास रेट आ जाना है चलो हम ये H डॉट की वैल्यू मालूम करने लगेंगे हमारे पास H डॉट बराबर आ जाएगा H डॉट या H फ्री रेडिकल इज इक्वल टू के टू सी डॉट की जगह पर वैल्यू रखो टू आई ए टू आई ए और के ए नीचे चला जाएगा ये जो हमारे पास के आर है ना के फोर है ये क्या हमारे पास के फोर है के फोर, फोर हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा टू आई ए बिल्कुल सही है टू आई ए इंटू एच टू डिवाइड बाय के थ्री और के फोर ये जो नीचे आया के फोर इंटू सी एल टू ये वाली चीज़ बन जाएगी जरा गौर करें इन दोनों चीज़ों पे हमने दो चीज़ें निकालनी थी एच डोट की वैल्यू और सी एल डोट की वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे मालूम कर ली हैं यहाँ पे अब हमने करना क्या है कि ये एच डॉट की और सी एल डॉट की वैल्यू को उठाना है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हमने इक्वेशन नंबर वन दिया है जी अब यही हमारे पास लास्ट वाला काम है इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा चलो जी इसको पुट करने लगेगा या पर गौर करते जाइएगा मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ पहले ताकि हमें ये चीज़ समझ आ जाए यह है सी एल डोड की वैल्यू ये है ये हमारे पास एच डोड की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करने लगा ज़रा गौर कीजिएगा हमारे पास कहीं पर कोई चीज़ गलत ना हो जाए ये हमारे पास बन जाएगा डी इन टू एच सी एल ओवर डी टी इज़ इक्वल टू के टू सी डॉट की वैल्यू पुट करो यहाँ जब तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ cl एल की वैल्यू क्या है हमारे पास टू आई ए यहाँ पे टू आई ओवर के फोर के फोर इसकी वैल्यू है आगे हमारे पास वही चीज़ हाइड्रोजन आएगा H2 टू हमारे पास यहाँ पे H2 टू आ जाएगा प्लस के थ्री एच डॉट की वैल्यू मालूम मैं यहाँ पुट करूँ ये वाली एच डॉट की वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ पुट करने लगाऊँ ये वाली चीज़ ये हमारे पास बन जाएगा के टू टू आई ए यहाँ बेशक इसके ब्रैकेट लगा लूँ टू आई ए के इसके बाद हमारे पास है एच टू ये वाली चीज़ और इसके नीचे हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो है के थ्री के फोर के थ्री के फोर सी एल सही अब ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी पुट पुट करने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट कोई चीज़ आ रही है सी एल टू आ रहा है नेक्स्ट सी एल टू आ रहा है no, लो जी अब अगर इन दोनों इक्वेशन में देखोगे ना कुछ चीज़ एक कॉमन आ रही है जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है एच टू देखिए दरम्यान में प्लस है इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के दरमियान में प्लस आ रहा है तो मैं अब इसको थोड़ा से ऊपर कर लेता हूँ चलो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा इन दोनों इक्वेशन के दरमियान में प्लस आ रहा है और यहाँ पे देखो H2 है यहाँ पे भी H2 है एच टू को उठा के आप एक साइड पे ले जाओ तो ये एच टू को यहाँ से कॉमन ले लो और इसके अलावा और भी चीज़ें कॉमन जो जो चीज़ें कॉमन आती ना वो सारी की सारी यहाँ से आपने कॉमन लेनी है यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो के टू है टू आई ए यहाँ पर भी देखो टू आई ए के टू भी है ये के टू टू आई ए टू आई एच टू एच टू और के फोर ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर कॉमन आ रही है जो कॉमन आ रही है वो बाहर निकाल के लिखने लगा गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें कॉमन आई हैं वो है के टू टू आई K4, के फोर टू आई एवर के फोर ये हमारे पास ब्रैकेट है यहाँ पे टू और यहाँ पे हमारे पास एच टू भी कॉमन आ गया एच टू भी कॉमन आ गया अब बाकी जो चीज़ें बची हैं उसको करके आपने आगे लिख देना है हमारे पास बाक़ी जो चीज़ें बच रही हैं वो कौन कौन सी हैं ज़रा गौर कीजिएगा तो पता चलता है यहाँ से के टू भी कॉमन टू आई ए के फोर एच टू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ बच रही है के थ्री बच रहा है के टू भी निकल आया टू आई ए भी के फोर भी यहाँ पर हमारे पास अंदर वाली चीज़ जगह पे हमारे पास बचेगा वन प्लस के थ्री के टू बाहर आ गया टू आई ए भी एच टू भी और इसके अलावा ये वाला सी एल टू इसके साथ कट जाएगा ये वाला सी एल टू इसके साथ कट हो जाएगा बस ये बात आपने याद रखनी है इसके बाद कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बचती ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है अब यहाँ पर और करोगे ना वैसे आप डायरेक्ट इसको एल्सीम लेके कट्ठे ही लिख लेते वो तो ज़्यादा अच्छा था अब दोबारा फिर मल्टीप्लाई कर दो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये के टू टू आई ए एच टू ओवर ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नीचे के फोर ही बनेगा के फोर प्लस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा आएगी वो है जी के थ्री हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी एक्स्ट्रा के थ्री बाक़ी सेम एजिट आ जाएगा वो क्या आएगा हमारे पास के टू टू आई ए एच टू और हमारे पास यहाँ पे नीचे K, 4, यह के फोर ये दोनों का एल्सीम लिया एल्सीय लेने के बाद आप इन दोनों को कर दो ऐड इन दोनों चीज़ों को आपने कर देना है यहाँ पे ऐड यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी एक चीज़ को हम कट करना तो भूल ही गई हैं यहाँ पे ये के थ्री के थ्री के साथ भी कट हो जाता है बाकी चीज़ें चेक करो क्या बची हैं के टू इन टू टू आई ए के फोर यहाँ पर एच टू और प्लस लगाओ के टू को बाहर निकालो सेम इसी तरह की इक्वेशन बना रहे थे के टू ये वाला के टू बाहर निकाल रहा हूँ के टू बाकी क्या बचेगा टू आई एवर के फोर आगे एच टू एच टू कहाँ से है वो ऊपर जो मौजूद है ये वाला एच टू मैंने बाहर निकाल के लिख दिया अब देखो दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा टू के टू टू आई ए ओवर के फोर के फोर इंटू एच टू एच टू अब इन दोनों कांस्टेंट को, K, K को के के को एक दूसरे के करीब ले आओ या फिर इसको भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फोर ये क्या बन जाएगा फोर के टू आई ओवर के फोर एच टू अब आपने करना क्या है कि इन दो कॉन्स्टेंट को ये दो कॉन्स्टेंट लादा कर लो फोर के टू ओवर के फोर आगे हमारे पास जो बाकी चीज़ें बची हैं उनको लदा कर लो हमारे पास बाकी जो चीज़ बची है वो असल में आई है इंटेंसिटी है और एच टू है एच टू सही है इस पूरे की जगह पे हम ए के कांस्टेंट लगाएंगे वो हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा फोर के टू ओवर के फॉर इसकी जब मैंने एक ही कॉन्सटेंट के प्राइम लगा देता हूँ जो के सिंपल कहेंगे के ही है हमने कहीं कहीं पर भी यूज़ नहीं किया ये हमारा के आई ए इंटू एच टू ये हमारे पास लास्ट वाला एक्सप्रेशन आ गया है जो कि असल में एच सी एल का एक्सप्रेशन है ले लीजिए था जी हमारे पास सारे का सारा सोल्यूशन जो मेन चीज़ें वो आपने याद रखनी है कि कहाँ पर डिकम्पोजिशन जब करनी है तो वहाँ पर नगेटिव जब आपने एडिशन करनी है तो वहाँ पर पॉजिटिव लगाना है इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो और इसका भी एक स्क्रीन शॉट ले लूँ यही हमारे पास आज के लेक्चर में अल्लाह हाफिज़